हेलो गुज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट पास। तो आज मेरे पास में बाइक है, होंडा की शाइन, जो कि 2016 मॉडल है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो लगभग शाइन के अंदर काफ़ी बाइकों के अंदर आ चुकी है और आपके पास में भी होगी प्रॉब्लम। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम, ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और इसकी जो आप किक देख रहे हो ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब किक के अंदर देख लीजिए, बाइक जब कोई भी सही होती है उसकी किक हाथ से नीचे नहीं जाती, परंतु इसकी किक है जो एकदम हाथ से नीचे चली जाती है। अब आप कहोगे कि इसका प्लग खुला हुआ होगा, ये देख सकते हो इसका प्लग भी सेट है, अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम एकदम नहीं आई है। इसके अंदर लगभग एक महीना हो गया कस्टमर के पास में, इस प्रकार से प्रॉब्लम थी। पहले किक फ्री नहीं हो रही थी, पहले 3-4 किक लगाते तब बाइक स्टार्ट होती थी, और आज एकदम इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है कि बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो चला गया लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, इस प्रकार से अगर आपके पास में बाइक है और किक स्लिप हो रही है, तो उसके अंदर मेन प्रॉब्लम होती है वो इसके हेड की होती है। तो हम क्या करते हैं, ये पहली बात तो मैं एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपके बाइक रास्ते में रुक जाती है और इस प्रकार से किक स्लिप हो रही है और बाइक को आपको स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले एक ट्रिक होता है वो दिखाता हूँ, परंतु उस ट्रिक से आप लाइफ टाइम बाइक नहीं चला सकते। हो सके तो स्टार्ट हो जाती है, 50% चांस रहता है, 50% चांस में बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होती है। तो वो चांस क्या है, अपन हम तो हम प्लग को ओपन करेंगे और इसके बाद में इसके अंदर जो ट्रिक अजमाना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये प्लग को हम खोलते हैं, तो ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये ओनली रास्ते में कहाँ पे भी अगर आपकी बाइक चलती चलती बंद हो जाए, रुक जाए, तो ये ट्रिक आप अजमा के सही कर सकते हो। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि बाइक एकदम रुक जाएगी और फिर आप चाहे सेल्फ दो, सेल्फ अच्छी तरह से राउंड लेगी, स्टार्ट नहीं होगी, और आप किक यूज़ करेगा तो किक एकदम हल्की हो जाएगी, कोई किक ताकत पकड़ेगी भी नहीं। तब आपको ये ट्रिक अजमाने के लगभग 60-70% बाइक इस प्रकार से सही हो जाती है, और जिस बाइक के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। तो इस बाइक के अंदर मेरे को लग रहा है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक महीने से हो चुका है ये प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी थोड़ी, और आज काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो खोलते हैं इस प्लग को और बाद में आपको मैं दिखाता हूँ इसके आगे का प्रोसेस। तो इस प्लग ओपन हो चुका है, तो अब आपको मैं प्लग की कंडीशन देख रहा हूँ। तो प्लग की कंडीशन मेरे को काफ़ी ठीक लगी है, क्योंकि इसका प्लग वाइट निकला है और माइलेज वगैरह भी ठीक है, तो प्लग के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस जगह ये जो आपको जिस जगह प्लग लगता है ये होल दिख रहा है, इसके अंदर हमारे को ऑयल डालना है 5-6 बूंदे। तो मैं आपको दिखा के डालता हूँ किस प्रकार से कितना डालना है। तो ये मेरे पास में ऑयल, तो मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ, बस इतना डालना है। और अगर आपके पास में नया ऑयल हो या पुराना हो कोई भी चलेगा, ये नहीं कि इसके अंदर नया डालना है। अब हमारे को क्या करना है, चाबी को ऑफ कर देना है, चाबी स्विच होता है उसको ऑफ कर देना है, और ये जो जिस जगह होल लिख रहा है इसके ऊपर अंगूठा रख के आपको किक यूज़ करना है। आप जैसे ही किक मारोगे ये देख लीजिए थोड़ी बहुत कंप्रेसर बना रही है, परंतु जितना कंप्रेसर इसको चाहिए वो नहीं है। अब देख लीजिए मैं इसका किक यूज़ कर रहा हूँ, परंतु इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरे अंगूठे को हटा के इसका कंप्रेसर लीक कर सके, परंतु इसके अंदर मेरे को लग रहा प्रॉब्लम है। तो भी मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने इस प्रकार से आपको इतना करना है, फिर से इस ये जो प्लग है इसको वापस डाल देना है। तो मैं प्लग को वापस लगा देता हूँ और फिर स्टार्ट करना, हो सके तो बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये जो ट्रिक आजमाने के बाद में भी अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो लंबी भी हो जाए, परंतु काफ़ी काम की वीडियो है। तो ये बाइक स्टार्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम चल गया इसका जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको और दिखा रहा हूँ, इसके अंदर और ऑयल डाल देता हूँ। कोई कहेगा कि भाई आपने ऑयल कम डाला है, ये देख लीजिए ऑयल डाल दिया है, और फिर से इसका चेक कर रहा हूँ कंप्रेसर, देख सकते हो मैंने लगभग 5-6 किक मारी है, एक बार थोड़ा सा कंप्रेसर लीक हुआ है मेरे अंगूठे से और नहीं हो रहा है। इसके अंदर इतना कंप्रेसर होना चाहिए कि हर किक के अंदर कंप्रेसर लीक होना चाहिए, परंतु वो नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका
टैंक वगैरह उतारते हैं और इसके बाद में इसके टॉप कवर खोल के इसको हेड को खोलते हैं। पहले टॉप कवर खोल के हमारे को क्या चेक करना है, इसकी वाल की सेटिंग चेक करेगी कि वाल इसके अंदर, अगर आपकी बाइक के अंदर वाल टाइट हो गए ना तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप कवर खोल के वाल को चेक करते हैं, वाल के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं निकली है कि वाल भी लूज लग रहे हैं इनलेट और आउटलेट, तो आगे का प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस हेड ओपन हो चुका है और आप देख सकते हो इसके इंजन की थोड़ी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इंजन जितना बाहर से सही है उतना अंदर से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल डालते हैं कभी ख़त्म हो जाता, ध्यान नहीं देते और फिर कभी कभार डाल देते, परंतु ये बाइक ऐसी है कि ज़्यादा चलने वाली नहीं है, चलती है बाइक परंतु 2 या 4 किलोमीटर पर जाके फिर बंद कर देते और फिर स्टार्ट करें। इस बाइक को कभी भी 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहीं चल रही है, परंतु ऐसे प्रॉब्लम आ रही, चूँकि इससे ऑयल से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसके मेन बात है, हम चेक करते हैं इसके वाल को। तो ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं पिस्टन हमारा टॉप है और आपको मैं वाल की सेटिंग दिखा रहा हूँ। वाल इसके अंदर काफ़ी लूज है, ऊपर नीचे के बुले है और साइड बुले भी, ये देख सकते हैं वाल दोनों लूज है। अब वाल टाइट नहीं है ये हमारे को मालूम चल चुका है, तो अब हम इसके प्रॉब्लम निकालने के लिए मेरे को हेड को खोलना पड़ेगा। तो मैं हेड खोलता हूँ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और मैं आप एक और जानकारी देता हूँ कि इसके हेड को किस प्रकार से खोलते हैं और कितने नट होते हैं कहाँ कहाँ पे, तो वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसके टॉप कवर होते हैं उसको दिखा देता हूँ कहाँ पे नट होते हैं। टॉप कवर के मैन दो नट ही होते हैं इसके अंदर, और 2 नट एक ऊपर बैंड पाइप होती है उसके अंदर, टॉप कवर के 2 नट होते हैं, इसलिए इससे होंडा की शाइन होती है। इसके अंदर काफ़ी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो इससे लीकेज की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए आपको एक वीडियो आई बटन में लिंक में मिल जाएगा, वो देख लेना, 100% जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो मैंने भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई, आप देखते नहीं हो वो जाकर जरूर चेक करना, अगर यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उस वीडियो के अंदर जानकारी दी हुई है। तो अब क्या करते हैं, इस हेड को खोलने के लिए इसके अंदर दो देख रहे हो आप, स्प्रोकेट के ऊपर 8 नंबर के नट है और आपको दिख रहे हो गए यहाँ पे 2 10 नंबर के स्टड है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको ये 4 चीज़ों हुए और 4 ही 12 नंबर के ऊपर स्टड दिए हुए, इससे जो हेड है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद में हमारे क्या करना है, आप देख रहे हो जो पेट्रोल पाइप होती है पीछे से जो कार्बेट से आती है उसके 2 10 नंबर के नट है और 2 हो गए हमारे जो साइलेंसर होता है उसके 12 नंबर के नट। इतना पार्ट्स खोलने के लिए, खोलने के बाद हेड जो अलग हो जाएगी। तो मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो गाइस मैंने इंजन को ओपन कर दिया, इसका हेड और ब्लॉक दोनों ओपन कर दिया, तो आप ब्लॉक को भी देख सकते हो, परंतु मेरे ब्लॉक के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं लगी है। इसका जो पिस्टन है वो काफ़ी ठीक लग रहा है। मैंने इस ब्लॉक को इसलिए ओपन किया है क्योंकि इस बाइक के अंदर थोड़ा ऑयल कम था, इसलिए मैंने सोचा कि पिस्टन को भी चेक कर लेते हैं, परंतु इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो निकली इसके वाल के अंदर। तो हम वाल किस प्रकार से चेकिंग करते हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो मैंने इससे हेड को इस प्रकार से रख लिया है और ये मेरे पास में पेट्रोल, तो मैं साइलेंसर की साइड में पेट्रोल डाल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, दिखा सकता हूँ। मैंने देख लीजिए काफ़ी थोड़ा बहुत पेट्रोल साइलेंसर की साइड में डाला है, परंतु इससे ये जो वाल दिख रहा है आपको, जो साइलेंसर साइड वाला आपको छोटा वाला वाल दिख रहा है, इसके अंदर से आपको पेट्रोल दिख रहा होगा थोड़ा बहुत आ रहा है। अब पहले इसके अंदर पेट्रोल नहीं था और अब ये देख लीजिए धीरे धीरे पेट्रोल आ रहा है। तो इसका जो साइलेंसर का वाल है वो भी थोड़ा बहुत लीकेज है और अब इसका मेन वाल होता है जो पेट्रोल साइड का होता है कार्बेट का, उसको चेकिंग करते हैं। तो देख सकते हो आप, मैंने इसके अंदर जितना भी पेट्रोल डाला है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। तो समझ लेना इसके जो हेड का काम है वो होने वाला है, इसके दोनों वाल चेंज हो गए और वाल की सीलें दोनों चेंज होगी, परंतु इसका जो पिस्टन का काम है वो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास में भी इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, किक फ्री हो रही है, बार बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस बाइक के अंदर आप हेड का काम करवा दीजिए जेन्यून, इसके दोनों वाल चेंज करवा दीजिए, दूसरा इसके अंदर कोई काम नहीं है, आपकी बाइक पहले किक स्टार्ट होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से क्लीनिंग करके और इसका वाल है दोनों चेंज करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा किस प्रकार से चेंज करता है वो भी दिखा देता हूँ, और वाल सिले चेंज करने वाले और फिर इसको फिटिंग करके आपको सीधा दिखाने वाला हूँ बाइक को स्टार्ट करके क्या मैंने, और एक बात बताने वाला हूँ इसकी वाल की भी सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ कितना कितना रखना है। वाल की तो वैसे मेरे को सेटिंग करनी नहीं पड़ेगी, परंतु अब नए वाल है फिर से करनी पड़ेगी, तो वाल की भी सेटिंग दिखा देता हूँ और फिर से बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाऊँगा क्या प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई है। तो गाइस हेड है जो मैंने पूरा अच्छी तरह से रेडी करवा दिया, क्योंकि इस हेड को मैंने लैथ पे भेजा था, क्योंकि इसकी जो गाइड होती है वो एक टूट चुकी थी, इसी वजह से
इससे बाइक के अंदर ऑयल घटाने की प्रॉब्लम आ रही थी, और इसी के साथ में मैंने इसके पिस्टन का काम भी कर दिया है और इसका टाइमिंग चेन भी चेंज कर दिया है। वो तो कस्टमर के हिसाब से था, परंतु जो इस बाइक के अंदर मेन प्रॉब्लम थी वो इसके वाल की थी। तो दोनों वाल नए आ चुके हैं, देख लीजिए आप ये वाल। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, वाल सील लगा के, ये रही इसकी दोनों वाल सीले, लगा के अच्छी तरह से कर देता हूँ फिटिंग। तो गाइस देख सकते हैं मैंने वाल सेटिंग कर दिया। आपने जो मैंने फर्स्ट मोमेंट में वीडियो दिखाई, क्योंकि काफ़ी टाइम लग सकता है, तो मैंने दिखा दिया इस प्रकार से। आप इसके अंदर बिना किसी टूल से आप इस प्रकार से इसके वाल सेटिंग कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ ऐसा देखने को है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इससे को पूरा ऊपर बैठा देता हूँ, गैसकेट वगैरह लगा के इसकी डॉल वगैरह, और सीधा आपको इसकी वाल की सेटिंग है उसके बारे में दिखाऊँगा। तो गाइस हेड है जो क्लियर फिटिंग हो चुका है, तो अब इसके अंदर वाल की सेटिंग करनी है। तो इसके अंदर आप देख लीजिए इनलेट वाल है, इसका थोड़ा काफ़ी लूज ज़्यादा है, इसके अंदर आवाज़ है ऊपर नीचे, और आप एग्जॉस्ट का वाल देख रहे हैं वो काफ़ी टाइट। तो मैं इसको सेटिंग करूँगा इनलेट को 0.05 mm और एग्जॉस्ट का करूँगा 0.04 mm। तो ये सेटिंग करूँगा, तो इस प्रकार से आप भी सेटिंग कर सकते हो। इसको क्या है, थोड़ा साइड प्ले रखना है और ऊपर नीचे का प्ले इनलेट के अंदर थोड़ा सा रखना है, और एग्जॉस्ट के अंदर आप साइड प्ले भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा बहुत तो रखना है अच्छी स्टार्टिंग के लिए, तो थोड़ा बहुत लूज़ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा लूज रखेंगे तो जब बाइक आपकी हिट होगी तब हो सकता है इसकी जो टैपेट की आवाज़ है वो ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं इस प्रकार से सेटिंग करता हूँ। तो मैं सारा सेटिंग कर देता हूँ, टॉप का और लगा देता हूँ, और इसके बाद में इसके अंदर इंजन ऑयल डाल के सीधा आपको बाइक स्टार्ट करके देखाऊँगा क्या आवाज़ है और किस प्रकार से स्टार्ट हो रही है। तो गाइस फाइनली बाइक का इंजन है वो अच्छी तरह से पूरा रेडी हो चुका है, और तो बाइक को करते हैं पहले स्टार्ट। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ और किस प्रकार से स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर की नहीं, डायरेक्ट की हुई है, और ना ही बैटरी है कुछ जलने के लिए। तो देख सकते हो बाइक अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुकी है, और इसके अंदर मैंने हेड की ऑयल सप्लाई भी चेक कर ली है, अच्छी तरह से आ रही है। काफ़ी आवाज़ भी ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, वीडियो के अंदर कुछ ऐसा भी नॉलेज हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।